नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। सरायकेला जिला मुख्यालय के कंसारी टोला के सड़क पर रुपए गिरे हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। देखते देखते ये सूचना आसपास के इलाकों में फैल गई, जहां काफी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच गए। उधर सूचना पाकर सरायकेला अंचल के इंस्पेक्टर पास्कल टोपको के नेतृत्व में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लिया, जहां पैसा एक पॉलीथीन में था जिसमें करीब 200 रुपए के साथ दवाइयों का पुर्जा भी था। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। पॉलीथीन में 100-150 रुपया और ये दवा का पर्ची है, उस पर्ची में सतीश उरांव का नाम लिखा हुआ है। संभवतः लगता है वो रात में ये नशे की हालत में होगा, साइकिल उकिल में होगा, ठगा गया होगा। अच्छा, तो अभी ले जा रहे हैं इसको। हाँ, इसी ले जा रहे हैं। वैश्विक संकट के बीच कोरोना वीरों के सम्मान का सिलसिला जारी है, जहां जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों को आज सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया गया। इस दौरान पालिका के अधिकारियों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी पालिका के सफाई कर्मियों का मान बढ़ाया। कोरोना महामारी के मद्देनजर जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोगों के लिए एक चुनौती जरूर आ गया कि हम अपने शहर को कैसे इस बीमारी से निजात दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जुगसलाय नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं। चाहे वो चूना ब्लीचिंग छिड़काव करने काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, आश्रय गृह है, क्वारंटाइन सेंटर है, उसकी साफ सफाई हो, इसमें पूरी तन मन धन के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से और अपनी ओर से कई जगह पर जो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की तकलीफ थी, उनके लिए 14 स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई। तेलंगाना से ट्रेन द्वारा रांची के हटिया पहुंचने के बाद सरायकेला जिले के 17 मजदूर आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां सभी मजदूरों को सामुदायिक भवन में रखा गया। वहीं सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनकी मेडिकल जांच की गई, जहां सभी को भोजन कराने के बाद मास्क, सैनिटाइजर, सूखा अनाज देने के बाद उनके गाँव के लिए रवाना किया गया। हैदराबाद से 35 किलोमीटर आगे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहा था, वहीं पर हम लोग रहते थे। कंपनी का अपना कॉलोनी था, कॉलोनी में सब कुछ मेंटेन कंपनी करता था। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के नाम संगारेड्डी और जगह कांडी था। वहाँ से फिर हम लोगों के वहाँ पे खुद SP साहब, DC साहब एस्कॉर्ट करके हम लोग को बस से लाए निगमपाली रेलवे स्टेशन। वहाँ से ट्रेन में बैठाने के बाद फिर खाने पीने का सब व्यवस्था, पानी वगैरह सब दे दिए। ओकरा बाद वो लोग चले गए। हम लोग ट्रेन पर जनरल जांच होगी, ऐसे कई बार इन लोग का जांच हुआ है और इन लोग सब इससे बाहर है, साइड सिम्टम इन लोग में नहीं है। अभी हम लोग अंतिम बार सब इन लोग को देख करके सब हेल्दी है, सब इन लोग को व्यवस्था करेंगे। मैंने घर से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, घर में भी एक क्वारंटाइन टाइप के इन लोग को हम लोग बता देंगे कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरायकेला जिला प्रशासन जिले में जागरूकता कार्यक्रम तथा राहत चलाने में सहयोग हेतु 11 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है। ये संस्थाएं जिले के विभिन्न हिस्सों में राहत कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम व सहयोग को लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कबीर सेवा संस्थान द्वारा सफाई कर्मियों व चेकनाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच सैनिटाइजर, चाय, बिस्कुट आदि का वितरण किया गया। कोटा से 36 छात्र छात्राओं का दल ट्रेन से रांची पहुंचने के बाद आज पहले सुबह सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन छात्र छात्राओं को सामुदायिक भवन में रखा गया तथा नाश्ता कराने के उपरांत उनकी मेडिकल जांच की गई। जांच के दौरान किसी में भी कोरोना का लक्षण सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी के हाथों में मोहर लगाकर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी को बस तथा अन्य गाड़ियों से प्रशासन द्वारा घर भेजा गया। चलिए, अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोगों को बुलाया, अच्छा लगा, मतलब ट्रेन किया हम लोगों के लिए और यहाँ पे फिर रांची से बस से लाया, अच्छा किया। क्लासेस ख़त्म हो गई थी वैसे हम लोग की दिसंबर में, पर अभी हम लोग का टेस्ट सीरीज बाकी था, वो भी हुआ नहीं है, तो अगर जो होगा तो फिर देखा जाएगा वापस। अच्छा, घर पे अलग रूम में रह करके होम क्वारंटाइन सबको कर ही दिया है, तो फिर सबको अलग रह के पढ़ना, मतलब हम लोग को अलग रह के पढ़ना पड़ेगा।
कि दो महीने से बाहर था और कोटा बहुत दूर पड़ती है सर, यहाँ से करीबन दो दिन की जर्नी है, तो हम लोग रह के भी यहाँ से कुछ इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। बच्चा वहाँ बहुत तकलीफ में भी था, घर में इन साइड में ही था, कभी खाना मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। ये तो झारखंड सरकार की देन है, ये हम लोग का भाग्य है, इसके कारण उन्हें रेल फैसिलिटी मिली। अदर या अदर स्टेट में जो है कि भाई बस लाया गया। गर्मी के साथ बारिश होते ही पिछले छह माह से बिल के अंदर रहने वाले विषैले सांप बाहर आने शुरू हो गए हैं। मई जून के महीने में प्राय दोपहर के बाद जैसे ही बारिश होती है उसके बाद विषैले सांप बाहर आते हैं और बाहर आते ही एक दूसरे से मिलते हैं। इस मिलन को प्राय हर क्षेत्रों में देखा जाता है। इस दृश्य को देखना काफी शुभ माना गया है। लोगों के कथन अनुसार यह मानना है कि सांपों की देवी मां मनसा की पूजा अर्चना के बाद ही जितने भी जहरीले सांप हैं वह अपने बिल पर चले जाते हैं, जो बारिश होते ही फिर पूरा छह माह बाद दिखाई देने लगते हैं। कोटा से स्पेशल ट्रेन में आने वाले सभी छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जिला प्रशासन ने किया स्वागत। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर रविवार संध्या 3:55 पर धनबाद पहुंची है। छात्रों के ट्रेन से उतरते ही शारीरिक दूरी का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग के साथ गुलाब का फूल और खाने का पैकेट देकर स्टेशन से निकासी कर उन्हें बस में बैठाया गया। वहीं छात्रों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। क्या परेशानियां हो रही थी मैम, वहाँ क्यों आना जरूरी पड़ गया? कैसा महसूस हो रहा है 40 दिन के बाद पहुँच रहे? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत अच्छे पड़े थे वहाँ, उस टाइम कोई था भी नहीं, आना जरूरी भी था। ट्रेन में कोई परेशानी कल रात में 9 बजे खुली थी? नहीं, खाना वाना सब मिलता था टाइम से, पानी भी मिलता था टाइम से, दिक्कत बस थोड़ी सी सोने वाने की बात हुई एडजस्ट। श्रेय किसको देना चाहेंगे इस जो अभी आप? श्रेय सब कोटा के और यहाँ झारखंड के गवर्नमेंट को जो हमें बुला लिया और LN को खासकर। रविवार को पुराना बाजार, रेलवे फाटक तथा आसपास के इलाकों में सपन कश्यप एवं उनके सक्रिय सेवाकर्ताओं ने लॉकडाउन के समस्त सरकारी दिशा निर्देश तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए आज दोपहर दाल भात सब्जी जरूरतमंदों तथा असहाय गरीबों के बीच वितरित किया। आज हम लोग धनबाद स्टेशन के पास अपने मित्र एवं बड़े भाई के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ जरूरतमंद है वहाँ हम लोग चिन्हित करके भोजन कराने का व्यवस्था करा रहे हैं। सोनारी थाना में गरीबों के लिए खाना वितरण किया जा रहा है। लगभग 200 लोगों में हर रोज खाना बांटा जाता है। ये कार्य 26 तारीख से शुरू किया गया है। नाम धर्मवीर सिंह है, हम सोनारी थाना में जीएसआई के पद, ये इसके पहले गुर्जर समिति संघ में था, कुछ कारण से वहाँ बंद हो गया, तो 26 तारीख से इसी महीना में 26 तारीख से हम लोग अगले महीना के 26 तारीख से हम लोग यहाँ शुरू कर दिया। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। वहीं कदमा में कुछ बच्चे अपने घर में लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी कलाकृति कर अपना समय व्यतीत करते नजर आए। मैं तुम्हारा जमशेदपुर के कदमा में। दिन मैं तो सुबह को उठती थी, फिर मेरा 8 से 1 बजे तक ऑनलाइन क्लास रहता था, उसके बाद मैं खाती थी, उसके बाद दोपहर। बिरसा नगर जोन नंबर 7 में संसद द्वारा मास्क बनाकर लोगों में बांटा जा रहा है और विशेषकर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग विकलांग है, विधवा है, उन लोगों तक राशन भी मुहैया करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। महिला विकास सेवक समिति की अध्यक्षा हूँ रानी गुप्ता और मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जो मास्क खरीद नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जरूरतमंद के पास मास्क नहीं पहुँच पा रहा है और हम लोग पुलिस प्रशासन से लेके जितने से जो जरूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हम लोग मास्क पहुँचा रहे हैं। जमशेदपुर DTO ऑफिस में कुछ छात्र छात्राएं पास बनाकर अपने घर वेस्ट बंगाल जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उन लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया गया एवं उन लोगों से कहा गया कि इस पास का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वह लोग आज DTO से मिलने पहुंचे। सर यहाँ मैं एग्जाम देने के लिए आई थी, जो एक एग्जाम होने के बाद पोस्टपोन्ड हो गई, उसके कारण मैं यहाँ फंस गई और इस केंद्र सरकार के हिसाब से सारे न्यूज में आ रहे हैं कि जितने छात्र पर्यटक मजदूर फंसे हुए हैं वो लोगों को अपने अपने स्थान पर पहुँचाई जाएगी। इस वजह से कल हम लोगों ने यहाँ पे पास बनवाने के लिए आया, पास भी हमारे कल हो गए, बट आज जैसे ही मैं घर से निकली अपने घर जाने के लिए बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही वानवन वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में हम लोगों को रोक दिया गया और बोला गया ये इस पास का कोई वैलिड नहीं है, ये पास एक रद्दी पेपर। उसका तरफ से कल दिन भर खड़ा रह के शाम तक हम लोग को पास दिया गया, जो पास लेके हम लोग निकला वेस्ट बंगाल जाने के लिए। वेस्ट बंगाल जाने के टाइम में रास्ते में बांदवान मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है
जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का बांदवन पुलिस स्टेशन का अंडर में आता है, उधर हम लोग को रुका गया। रुकाने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट किया, जो साथ में स्टूडेंट है, फैमिली है, प्लस ऑलरेडी एक थोड़ा उसका प्रॉब्लम भी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, खाली हम लोग उसको मेडिकल ब्लड और यूरिन टेस्ट भी कराया, सोनोग्राफी बाकी भी है, करा नहीं पाया कि इधर दिन भर खड़ा था कर। वो भी बताया सब। उधर का जो ऑन ड्यूटी पुलिस स्टाफ थे वो लोग ने लेकिन बहुत मदद किया, बहुत कोशिश किया हम लोग को पास कराने के लिए। तो कुछ देर बाद बांदवान पुलिस स्टेशन का ओसी साहब उधर आए, वो हम लोग मिलने को कोशिश किया, मिलने को मौका नहीं मिला हम लोग को, बाद में उन्होंने चले गए। तो हम नेट से सर्च करके उनका नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद उनसे बात भी किया, करीब दो तीन मिनट बात किया हमने उनको कन्विंस कर, तो आखिर तक उन्होंने फोन काट दिया। काटने का बाद फिर हमने और दोबारा उनको कोशिश नहीं किया। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, कल रात 1 बजे से हम लोग उधर खड़ा था, बाद में हम लोग के ऊपर भी वो लोग बहुत ये किया, जो भागी है नहीं तो लाठीचार्ज करेंगे, ऐसा बहुत कुछ। कौन बोला, कौन बोला? जो पुलिस लोग था उधर, उसका कुछ वीडियो एविडेंस भी है हम लोग के पास, लोग क्या क्या हम लोग को बोला है। तो वो सब करने के बाद बाद में हम लोग फिर भी बहुत। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइन के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए @700-4615405।